जय हिंद की और की अंतर स्पष्ट करना है। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता बोलने में, लेकिन समझने में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? पहले तो देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। क एक व्यंजन है, अगर उसमें एक स्वर ई जो कि हमारी हर्ष ई होती है, अगर उसको जोड़ें तो की बनेगा। मतलब बच्चे समझेंगे कि क में छोटी ई की मात्रा जोड़ दी जाएगी तो की बनेगा। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते वक्त थोड़ा जल्दी बोलते हैं की। आगे अगर देखें, क में अगर दीर्घ ई जोड़ दी जाए तो बनेगी की। इसको थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं, बोलने के हिसाब से की की। एक में हर्ष ई आती है, एक में दीर्घ ई आती है। इस की को थोड़ा सा जल्दी बोला जाता है, इसको थोड़ा सा खींच कर बोला जाता है। की और की में क्या अंतर है, अब यह जानते हैं। की एक कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होता है, जो दो वाक्यांशों को जोड़ता है। अंग्रेजी में बच्चों जो कंजक्शन का काम होता है दैट का, वो वाला काम की का होता है। मतलब की को हम दैट के रूप में समझेंगे। अब कुछ उदाहरण देखें वाक्यों को जोड़ना। अब देखो दो अलग अलग वाक्य हैं। उसने कहा, ये पहला वाक्यांश है। कल वह नहीं जाएगा, ये दूसरा वाक्यांश है। मतलब दो अलग अलग वाक्यांश हैं। अगर इनको हमने जोड़ना हो की के द्वारा हम जोड़ देंगे और पूरा वाक्य हमारे बनेगा, उसने कहा कि कल वह नहीं आएगा। मतलब आप ये समझ जाओ कि अगर वाक्य में की दिखाई दे रहा है तो उसका एक मतलब ये तो नहीं है कि वो दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, दो अलग अलग वाक्यांशों को जोड़ तो नहीं रहा। अब यहाँ देखो, वह इतना हंसा कि गिर गया। अब दोनों अलग अलग वाक्यांश हैं। वह इतना हंसा गिर गया, अब जोड़ किसके द्वारा दिए, की के द्वारा। मतलब की जो है वो दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को जोड़ भी देता है। यह माना जाता है कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर भी दो वाक्यांशों को जोड़ दिया, तो मतलब आपको समझना है कि कब की बोला जाएगा और कब की बोला जाएगा। अब बारी आती है दीर्घ ई वाले की का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी संज्ञा या स्वरनाम का किसी से संबंध बताना, दिखाना या जोड़ना हो। मतलब संज्ञा स्वरनाम हो तो की का भी इस्तेमाल होगा। अब कुछ उदाहरण देखें, जैसे लिखा है मोहन की किताब, फिल्म की कहानी, रोगी का इलाज, सर्दी की ऋतु, सम्मान की बात, चेहरे की चमक। यहाँ पर तो सिर्फ हमको संज्ञा और स्वरनाम के बाद लगा देना है तो काम हमारा हो जाएगा। रोहित की किताब से पढ़ लो, तो रोहित संज्ञा है और संज्ञा के बाद की आ गया, तो समझ गए हम। ताले की चाबी खो गई है, अब देखो बिल्कुल साफ है, यहाँ पर दो वाक्यांश, दो वाक्य हैं ही नहीं, यहाँ तो एक संज्ञा है या फिर यहाँ स्वरनाम भी मिल सकता है। उसकी किताब मेरे पास लाओ, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बनाने में और लिखने में, समझने में और बोलने में की और की में क्या अंतर है। धन्यवाद।